ऑल राइट, सो फुल सिलेबस ऑफ सी ए फाइनल ना वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स, वन इज ए ट्रेडिशनल मेथड एंड वन इज ए मॉडर्न मेथड ऑफ कॉस्टिंग, राइट। तो ट्रेडिशनल मेथड मीन्स जो इंडिया के अंदर फॉलो होता है, उसका फर्स्ट पार्ट आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एंड द चैप्टर नंबर 12 इन योर मॉड्यूल इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट। सो जस्ट यू राइट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो पहले ट्रेडिशनल को अपन एकदम क्लियर कर लेते हैं एंड देन वी विल जंप टू द मॉडर्न मेथड ऑफ कॉस्टिंग, राइट। चैप्टर नंबर 12 एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओके। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाउ एग्जैक्टली दिस सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज वर्किंग, राइट। ये जो कॉस्टिंग का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो ये एग्जैक्टली सिस्टम कैसे काम करता है वो अपने को देखना है मेनली, राइट। सपोज इमेजिन योर सेल्फ कि आपने सीए पास कर लिया, कैसा लग रहा है, नाइस। और आपने सोचा चलो सीए पास करने के बाद अभी अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करते हैं, योर डैड इज ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका बहुत सारी इंडस्ट्री है और उनका एक फैक्ट्री है सपोज से जामनगर गुजरात के अंदर, राइट। आपने डैड को बोला कि डैड आई विल टेक केयर फॉर सेल्स एंड यू टेक केयर फॉर प्रोडक्शन, डैड बोला ठीक है। तो आपका सेल्स ऑफिस मुंबई में और आपका फैक्ट्री कहाँ पर है, जामनगर गुजरात में। सपोज इन मुंबई यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस और एक कस्टमर आपके पास, एक न्यू कस्टमर आता है एंड वो कस्टमर आके आपसे पूछता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, आपको क्या बोलता है, आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1। नाउ S1 इज ए टोटली न्यू प्रोडक्ट फॉर यू, आपने पहले कभी S1 बनाया नहीं है, तो आप उसको कैसे बताओगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वेयर इज योर फैक्ट्री, जामनगर गुजरात, यू सिटिंग इन मुंबई, आपके पास एक कस्टमर आता है, कस्टमर आके आपसे पूछता है आई वॉन्टेड टू परचेस 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1। अभी एक्चुअल प्रोडक्शन बाद में होगा लेकिन आपको प्राइस पहले बताना है, अगर आपने प्राइस ज़्यादा बताया तो कस्टमर वॉन्ट परचेज, अगर आपने प्राइस कम बताया तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। तो आप कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आर यू फॉलोइंग अलॉट, कि पहले आप ये समझो कि कॉस्टिंग का जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कॉस्टिंग में, बच्चे लोग को कहाँ प्रॉब्लम आता है, इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि यू आर इंटरनेशनल कॉस्ट कंसल्टेंट और आपने लाइफ में कभी एक कॉस्ट शीट भी बनाया नहीं है, मतलब रियल प्रैक्टिकल आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कंपनी का आपने कॉस्ट शीट भी, आप कैसे आंसर करोगे। बच्चे लोग बोलते हैं केस स्टडी करा दोगे, अरे केस स्टडी के लिए पहले आपको पूरा आना तो चाहिए ना, फुल आपको कॉस्टिंग आना चाहिए ना, तब जाके आप कोई केस को स्टडी कर सकते हो ना। नाउ दिस इज द केस स्टडी, उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ एग्जैक्टली दिस सिस्टम इज वर्किंग। अपन ने अपने जो बुक है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक आपका जो भी पूरा जो सिलेबस था पूरा 1 to 13 आपके जितने भी टॉपिक्स थे वो ले लिए, पूरा सॉल्व करके रखा है, फिर अपन ने एक थ्योरी का जो पूरा मॉड्यूल का आपका जो थ्योरी है उसको समरी फॉर्म में डाला है, राइट, पूरा थ्योरी। और प्लस आपको दो पेपर अभी तक मई और नवंबर दोनों 18 के दोनों पेपर आपको दिए हुए, तो जो मैं आपको सिखाऊंगा उससे आपको फिर आइडिया आना चाहिए कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो प्रॉपर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो अपन कराएंगे, जिनमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो हम कराएंगे आपको, जैसे काइजेन कॉस्टिंग है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, पेरेटो एनालिसिस है, थ्रू आउट अकाउंटिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्स सिग्मा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम आपको कराएंगे, राइट। और जो जिसमें खाली ओनली रीडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अब और इजी हो गया, क्योंकि ज़्यादातर थ्योरी पूछ रहा हो, थ्योरी डायरेक्टली मॉड्यूल से ही है, उसमें थ्योरी में कुछ बनता ही नहीं है, करके जो गिवन है वही आपको लिखना है, तो उसके लिए अपने समरी फॉर्म बना दिया है, तो आपको और इजी हो गया कि भाई चलो थ्योरी पढ़ के भी, अभी लास्ट दो पेपर पूछे थे तो एक भी मार्क का थ्योरी नहीं था, राइट। अब जो पेपर पूछा है उसमें सब थ्योरी डाल दिया उसने, तो दोनों तरह से अपन इसको कवर अप कर सकते हैं, राइट।
उसके अलावा हम लोगों ने जो दाने की कॉस्टिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने को जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से कुछ बेसिक सम्स लिए, क्योंकि आपके मॉड्यूल में ज़्यादा सम्स नहीं दे रखे, हम लोगों ने जो सम लिए वो उसके लिए बेस तो करना पड़ेगा ना, आपको जो 5 सम कराने हैं तो उसके लिए जो बेसिक सम से पहले पूरा बेसिक है टॉपिक का वो तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। उन्होंने तो क्या फाइनल जो 5 जो सबसे टफ सम है वो डाल दिए उसमें, लेकिन उन्होंने बेसिक सम्स या प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं डाला है, तो वो तो अपन को डालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आज अपन पूरा एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको एक इंटरनेशनल कॉस्ट कंसल्टेंट बनाया जा सके। राइट, आप बताइए कहाँ पर आपका फैक्ट्री है? जामनगर। प्लीज़ पार्टिसिपेट, राइट, तो ही मज़ा आएगा टॉपिक में। वेर इज योर ऑफिस? मुंबई। आपके पास एक कस्टमर आता है, प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? या आपके पास एक कस्टमर आया, आपको बोलता है अपेक्षा आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 units ऑफ प्रोडक्ट S1, आप उसको कैसे बताओगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? मुझे आपकी तरफ से आंसर चाहिए, राइट, क्योंकि आपको ट्रेंड करना है, आपको एक ट्रेंड करके मुझे एज ए इंटरनेशनल कॉस्ट कंसल्टेंट बनाना है। 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे पूरे सिलेबस को। फर्स्ट इज योर प्रिपरेशन, सेकेंड इज योर रिविजन, थर्ड इज हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। प्रिपरेशन यू डिवाइड इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ एंड सेकेंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। प्रिपरेशन मीन्स टॉपिक क्या है, सेकेंड उसका डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, सेकेंड इसी में से मैं आपको LMR बना के दूंगा, लास्ट मिनट रिविजन, आपको ये पूरा बुक करने की जरूरत नहीं है, राइट, एंड थर्ड हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है, फिर क्या करना है, कैसे होगा कैसे नहीं। तो इसका सबसे पहला अगर अपन स्टार्ट करें, वेर इज योर फैक्ट्री? जामनगर गुजरात, यू आर सिटिंग इन मुंबई। एक कस्टमर आता है, कस्टमर आके आपसे पूछता है कि भैया आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 units ऑफ प्रोडक्ट S1, आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? करेक्ट, वेरी नाइस गौरी, बोलो कैसे बताएंगे? फैक्ट्री कहाँ पर है? जामनगर। यू आर सिटिंग इन मुंबई। अपन कैसे बताएंगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? इसके लिए आपको पूरे सिस्टम में जाना जरूरी है, आपको पूरा सिस्टम समझना बहुत जरूरी है कि हाउ एग्जैक्टली दिस सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज वर्किंग। क्योंकि आज जो ये टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक है, पूरा बेस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सब लोग ऑप्शन पे लेके जाते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ओनली, कि आपका पूरा बेस मुझे क्लियर करना है। एक भी फॉर्मूला कुछ भी नहीं आपको याद रखना, सब कुछ आप सामने से आंसर करोगे, हाँ सर अभी ये लिखो, हाँ सर अभी ये लिखो, हाँ सर अभी ये लिखो, राइट? देखो, वेर इज योर फैक्ट्री? जामनगर गुजरात, यू आर सिटिंग इन मुंबई। आपके पास एक कस्टमर आया, कस्टमर आके आपसे पूछता है कि भैया आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 units ऑफ प्रोडक्ट S1, मैं उसको कैसे बताऊंगा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को बोलूंगा सर आप बैठिए प्लीज, हैव अ सीट। बैठ गया, बैठने के बाद सबसे पहला जो मेरा पार्ट रहेगा वो है कि आई प्रिपेयर माई कॉस्ट सीट। आपका जब जरा ध्यान दो सिस्टम पे पूरा ना, स्टेप नंबर 1 मेरा क्या रहेगा बोलो, सब लोग इन्वॉल्व हो जाओ। स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज माय कॉस्ट सीट, कॉस्ट सीट फॉर 1000 units ऑफ प्रोडक्ट S1। दैट कॉस्ट सीट यू कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, 1 इज ए डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकेंड इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये तो याद है आपको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, विदाउट रिलैक्स, विदाउट एकदम एनी स्ट्रेस, आराम से जाइए आप, रिलैक्स हो गए। याद है फॉर्मेट अपन बनाते थे इंटर में, है ना, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला आपका आइटम क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल। नाउ इन योर फैक्ट्री फॉर डायरेक्ट मटेरियल, इन योर फैक्ट्री हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन? देयर आर 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन, एक आपका प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरा आपका परचेज मैनेजर, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। सबसे पहले सुबह सुबह आपने कस्टमर को बोला सर मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ,
एकदम सिस्टम में जाओ आप, राइट। कस्टमर आके बैठे अपेक्षा से बोला कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000, आप कैसे स्टार्ट करोगे? आप उसको बोलोगे सर प्लीज बैठिए मैं 5 मिनट में आपको बता दूँ। यू स्टार्ट कॉस्टशीट। कॉस्टशीट का सबसे पहला आइटम डायरेक्ट मटेरियल। नो, डायरेक्ट मटेरियल के लिए हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन? देर आर टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन, एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक परचेज मैनेजर, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। सबसे पहले आपने फ़ोन लगाया प्रोडक्शन मैनेजर को जामनगर में, पूछा सर कैसे हैं भाभी जी कैसे है? बोला यार आप काम की बात करो, भाभी जी को छोड़ो। बोले सर देर इज ए ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, कैन यू टेल मी 1000 यूनिट्स को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा? उसने पूरा कैलकुलेट किया, 1000 अगर सर एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी का रहेगा तो 10 kg पर यूनिट। अगर फर्स्ट क्लास क्वालिटी का मटेरियल रहेगा तो कितना? 10 kg पर यूनिट। इतने से आपका कितना चला जाएगा? 1000 × 10 एंड दिस कम्स टू 10,000 kg। आपने रेट मैनेजर से पूछा व्हाट इज द रेट इज गोइंग ऑन, वी वांटेड टू परचेज 10,000 kg मटेरियल, व्हाट्स द रेट इज गोइंग ऑन? वो बोलता है आपको 10 rupees पर kg एंड दिस कम्स टू 1 lakh। अपेक्षा फॉर यू तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस में कैसे अप्लाई करने का वो पूरा समझो आप करके ना, कैसे हम लोग बनाते, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते। इज दिस क्लियर? कुछ पूछ रहे हैं? प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा, बोलता है 10 kg लगेगा। रेट मैनेजर क्या बोलता है? रेट क्या रहेगा? 10। डायरेक्ट लेबर देयर आर टू, एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक आपका रेट मैनेजर, एंड देन यू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा भाई एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे? बोलता सर अगर फर्स्ट क्लास वर्कर रहेगा तो 10 hours पर यूनिट, इट मीन्स आपको कितने? 10,000 hours, 1000 × 10, 10,000। रेट मैनेजर को पूछा भाई व्हाट इज द रेट इज गोइंग ऑन? वो बोलता है 10 rupees एंड द टोटल कम्स टू 1 lakh। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल? 1 lakh। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर? 1 lakh। दिस इज टोटल कॉस्ट, 2 lakhs। चार्ज प्रॉफिट सपोज 2 lakhs, आपका सेल्स वैल्यू हो जाएगा रुपीज 4 lakhs। आपका टोटल सेल्स वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 lakhs। अभी कस्टमर को बोलेंगे आपको सर लेना है तो लो, आपको नहीं लेना है तो कोई बात। परफेक्टली समझ में आ रहा है सिस्टम कॉस्ट। सपोज सेम कस्टमर आपको बोलता है डन, आप मुझे क्या करो? सप्लाई करो। नाउ यू एक्चुअली वॉन्टेड टू नो हाउ मच इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑन दिस ऑर्डर, आपको इस ऑर्डर के ऊपर एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? एंड दिस इज योर स्टेप नंबर 2 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल, ठीक है। आपका सेल्स क्या हुआ? बाय सेल्स, आपका सेल्स हो गया रुपीज 4 lakhs। आपका टोटल सेल्स कितना हो गया बोलो? रुपीज 4 lakhs। नाउ जब आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किया, जब आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन किया, इन इंस्टेड ऑफ 10,000, सपोज मटेरियल यूज 11,000 kg एट द रेट ऑफ 11,121, सपोज 11,000 hours एट द रेट ऑफ 11,121, इट मीन्स 2 मटेरियल 121, 2 लेबर 121 एंड 2 नेट प्रॉफिट एंड दिस कम्स टू 158। ऑलराइट, बात खत्म हो गई, बात सब पूरा हो गया। सपोज नेक्स्ट टाइम अगेन सेम पर्सन इज आस्किंग यू कि आई वांटेड टू परचेज अगेन 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, आपको क्या बोल रहा है? अगेन आई वांटेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, तो हम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा कॉस्ट, क्योंकि हमें प्रॉफिट कितना चाहिए था? 2 lakhs, आ रहा है कितना? 158। जरा सोच के जवाब देना, यू आर फ्रॉम बिजनेस राइट। तो जब हम लोग कॉस्ट बनाएंगे रिवाइज, तो शुड आई टेक मटेरियल कॉस्ट 1 lakh और 121? गौरी 1 lakh और 121? हम लोगों ने सोचा था 1 lakh, खर्चा हुआ 121। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूंगा कॉस्ट, तो शुड आई टेक 1 lakh और 121? 1 lakh 121। क्यों 1 lakh? एक्सपेंस तो 121 हुआ है ना, तो नेक्स्ट टाइम तो 121 ही लेंगे ना।
तो मेरा कॉस्ट कम आएगा तो मेरे को लॉस होगा ना। यही आपको सीखना है पूरे टॉपिक में, मतलब ये टॉपिक में आपको एकदम मजा आना चाहिए भाई। आप ये बोल दो क्योंकि लाइब्रेरी में जब आप करने बैठोगे सब लोग फॉर्मूला वायट करते रहेंगे, आप बोलोगे ये सो लॉजिकल सर, मजा आ गया टॉपिक में करके। इतना आपको प्यार से समझना है टॉपिक को, सिस्टम कैसे काम कर रहा है। फॉरगेट इट कि यू आर ए सी ए फाइनल स्टूडेंट, आप आईसीआई के स्टूडेंट हो वो छूट दो, कहाँ पर आपका फैक्ट्री है। यू तो टॉक एकदम एज ए बिजनेस मैन, वेर इज योर फैक्ट्री जामनगर गुजरात, वेर इज योर फैक्ट्री जामनगर गुजरात, वेर इज योर सेल्स ऑफिस मुंबई। एक कस्टमर आया, कस्टमर आके आपसे पूछता है आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने प्राइस ज़्यादा बताया कस्टमर परचेज नहीं करेगा, अगर आपने प्राइस कम बताया आपको लॉस हो जाएगा। आपने कॉस्ट शीट बनाया, P&L अकाउंट बनाया, अब आपको याद हो इंटर में अपन क्या करते थे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट याद है। What is reconciliation statement? It is a statement which is showing reasons for the difference between profit as per cost sheet and profit as per profit and loss account. इस टॉपिक में एक एक लेक्चर भी मिस मत करो, एक एक सेकेंड भी मिस मत करो तो आपको मजा आएगा। पूरा कॉस्टिंग का बेस आपका बनाता हूँ, उसके बाद फिर मॉडर्न टॉपिक्स को लेंगे अपन, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 आपका हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 एंड दिस इज योर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इट मीन्स प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, कितना प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट शीट, 2 लैक्स। क्या आपको 2 लैक्स रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, क्या आपको 2 लैक्स रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है? आंसर इज नो। व्हाई? आपने मटेरियल सोचा था 1 लैक, आ रहा है 121। इट मीन्स ड्यू टू मटेरियल देर इज ए लॉस ऑफ 21,000। आपने लेबर सोचा था 1 लैक, आ रहा है 121। ड्यू टू लेबर देर इज ए लॉस ऑफ 21,000 एंड आपका नेट प्रॉफिट आ गया 158। नाउ फॉर द लॉस ऑफ मटेरियल, फॉर द लॉस ऑफ मटेरियल हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन आपकी फैक्ट्री में, तो इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 4, इसको बोलते हैं एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। अब जरा आप ध्यान से दो, इन केस ऑफ मटेरियल आपने क्या सोचा था कितना खर्चा होगा, बोलो 1 लैक, खर्चा कितना हुआ, बोलो 121, कितने का लॉस हो गया 21,000। हु इज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, या तो प्रोडक्शन मैनेजर या फिर बोलो परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने आपको क्या बोला था, कितने केजी मटेरियल लगेगा गौरी, 10,000, एक्चुअली कितना लगा 11,000, इट मीन्स यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 1,000, परफेक्टली क्लियर। अब मैं आपको बोलता हूँ यार आपने बोला था 10,000, मैंने यूज किया 11,000, मैंने 1,000 केजी ज़्यादा किया राइट, और 10 की जगह मैंने परचेज किया 11, आई हैव पेड 11 राइट, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1,000 आपकी वजह से 11,000 का लॉस हो गया। Will you agree? मैं बोलूंगा 10 की जगह मैंने कितना, परफेक्टली मजा आ रहा है, 10 की जगह कितना 11, 1000 एक्स्ट्रा, और क्या रेट से परचेज किया 11, मैं बोलूंगा 11, आप बोलोगे नहीं सर आई एम योर प्रोडक्शन मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन। इसी को आपको अगर याद हो तो इसको अपन क्या बोलते थे, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, इसको क्या बोलते थे गौरी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसको क्या बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट, इसको अपन बोलते थे मटेरियल यूसेज वेरियंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड से, नाइस समझ में आ रहा है कि नहीं, परफेक्टली एंजॉय करो ये टॉपिक। क्या हो जाएगा 10, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट 10,000 एंड दिस इज एडवर्स, आपने सोचा था कितना लगेगा 10,000, एक्चुअल में यूज कितना हुआ 11,000, कितना एक्स्ट्रा यूज हुआ 1,000 इंटू 10 कितना, परफेक्टली क्लियर। अब आ जाइए आप रेट, सपोज मैंने आपको बोला कि नीचे ना वो एप्पल वाला खड़ा है,
तो अपना 10 एप्पल लेके आओ, हम लोग 10 लोग हैं, एक एक एप्पल करके खा लेंगे, और एक एप्पल वो 10 रुपीज़ का दे रहा है। लॉजिक को समझो ज़रा, मैंने कितना एप्पल लाने को बोला, 10, एक एप्पल कितने का दे रहा है, 10, है ना, तो अपन एक एक करके बांट के खा लेंगे। अब आप लेने गए तो उसके पास एप्पल बचे 5, 5 उसने सेल कर दिए, और बोलता नहीं अभी 12 रुपीज़ का एक एप्पल है। अभी आप बोलते हो ठीक है ना यार, 5 लेके चलते ना, आधा आधा खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी सर ने बोला अभी कौन ऊपर जाएगा, फिर पूछ के आएगा। तो अब मैं आपको क्या बोलता हूँ कि यार मैंने आपको बोला था 10 में लाने के लिए, आप लेके आए 12 में, आप 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए। मैंने आपको 10 एप्पल लाने को बोला था, आपकी वजह से 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। विल यू एग्री? आपको मैंने क्या रेट बोला था, 10, आपने कितना पे किया, 12, आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया, 2 रुपीज़, आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया, 2 रुपीज़। बोलो एक्चुअल क्वांटिटी। आप बोलोगे सर मैं तो 5 ही लेके आया हूँ ना, इसका मतलब व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट, यू मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, 10 की जगह 11 × 11,000 लॉस ऑफ 11 एंड 10, आपका टोटल लॉस क्या हो गया, 21,000। बोलो या सुनो फ्रेंड्स, आपका एक्चुअल लॉस क्या हो गया, बोलो 21,000। 21 में हु इज रेस्पॉन्सिबल, एक प्रोडक्शन मैनेजर। आपका काम, आपका सिलेबस यहां पे खत्म, हमारा सिलेबस यहां से स्टार्ट एज ए कॉस्ट कंसल्टेंट। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट, व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सेकेंड आपको क्या रखना है, व्हेनेवर देयर इज ए रेट पार्ट, व्हेनेवर देयर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एंड व्हेनेवर देयर इज ए रेट पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अब हम लोग पूछेंगे प्रोडक्शन मैनेजर को, सर आपने तो बोला था 10,000 में बन जाएगा, आपने क्या बोला था, 10,000 केजी में बन जाएगा, एक्चुअली यूज़ कितना हो गया, 11, मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1,000 केजी, राइट। सर ऐसा क्यों हुआ, तो बोलेगा नहीं सर आई टोल्ड यू फर्स्ट ओनली वी वॉन्ट फर्स्ट क्लास क्वालिटी ऑफ मटेरियल। मैंने आपको क्या बोला था पहले ही कि वी वॉन्ट फर्स्ट क्लास क्वालिटी ऑफ मटेरियल, बट दैट मटेरियल वॉज नॉट अप टू द मार्क, मुझे क्या करना पड़ा, स्क्रैप निकालना पड़ा। इसका मतलब व्हेनेवर देयर इज अ लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, और इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। आपकी वजह से मिस्टेक हुआ ना। सेकंड वो बोलता नहीं सर आपने जल्दी जल्दी में बोला था, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, सर मिनिमम इज रिक्वायर्ड 11 केजी, मैंने बाय मिस्टेक आपको बोल दिया 10 केजी। इसका मतलब वो लॉस क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा, 11,000 एंड नॉट 10,000। रेट मैनेजर आपको बोलता है, आप बोलोगे सर आपने बोला था 10, वाई द रेट इज कमिंग 11। बोलेगा नहीं सर क्या हुआ, देर वॉज ए इलेक्शन, अभी क्या हो गया था, इलेक्शन थे, अपने को मटेरियल नहीं मिल रहा था, ऑर्डर कंप्लीट करना था, इसके लिए मैंने 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया। इसका मतलब दिस इज ए कंट्रोलेबल लॉस, व्हेनेवर देयर इज ए लॉस राइट बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कैन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, और यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, राइट। और तो आपको नेक्स्ट ईयर क्या लेना पड़ेगा, 10 रुपीज़ ओनली। अगर वो बोलता है नहीं नहीं सर वो 10 रुपीज़ था सर, लेकिन अभी सर वो सब पक्के में लेना पड़ता है, तो 10% GST भी लगता है सर, वो अपन कुछ नहीं कर, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा, 11। तो आपको, आप मुझे बताओ थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, वेरी चोर फैक्ट्री जामनगर, यू आर सिटिंग इन मुंबई, कस्टमर आया, पहले आप क्या बनाओगे, कॉस्ट शीट, किससे बात करोगे, बोलो प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, रेट मैनेजर, कॉस्ट शीट बना दोगे। ऑल द टॉपिक्स ऑफ CA फाइनल, ऑल द टॉपिक्स ऑफ CA फाइनल इज बेस्ड ऑन ओनली वन, इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर, इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर, बट यू हैव टू गिव द कॉस्ट बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन। आपने मेरे यहाँ एडमिशन लिया राइट, मैंने आपको ये तो नहीं बोला पहले पढ़ लो फिर अपन देखेंगे व्हाट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं। मेरे को कैसे पता चलता है कि कितना मटेरियल का लगेगा, कितना लेबर का लगेगा, कितने रूम, कितना फिक्स्ड ओवरहेड, कैसे
वो सब सिस्टम समझना जरूरी। फिर मैं क्या बनाऊंगा अपेक्षा, पी एंड एल अकाउंट, राइट, दोनों के बीच में रिकंसिलेशन, फिर देखेंगे कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। ओके तो लिखो जरा ना आप, इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोलो वरी है, चलो लिखो जरा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एनालिसिस फॉर वेरियंस, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एनालिसिस फॉर वेरियंस। पॉइंट नंबर वन, whenever there is a quantity part, whenever there is a quantity part multiply by standard rate, whenever there is a quantity part multiply by standard rate and whenever there is a rate part and whenever there is a rate part multiply by actual quantity. Okay, point number two, analysis of material, comma, variable overhead is always based on actual production. Point number 3, budgeted profit equal to budgeted selling price minus budgeted cost, but actual profit equal to actual selling price minus budgeted cost. ओके, नीचे ब्रैकेट में लिखो because profit manager is not responsible for cost fluctuation. ओके, देखो जरा पहला पॉइंट, व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, क्लियर है, प्रोडक्शन मैनेजर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन। नंबर टू पॉइंट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय, जो एप्पल वाला एग्जांपल, क्लियर है। आप बोलोगे मैं तो 5 ही खरीद के लाई हूँ सर, तो मैं 5 के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, सही या सो नो, राइट। स्टेप नंबर टू, देखो सपोज आप मेरे
प्रोडक्शन मैनेजर हो, मैंने आपको बोला एक 1000 यूनिट्स बनाना है S1 का, 1000 यूनिट्स बनाना है किसका, S1 का। तो S1 को बनाने में कितने केजी मटेरियल लगेगा, आपने बोला सर 10,000 केजी, आपने बोला 1000 को बनाने में कितना लगेगा, 10,000 केजी, ठीक है। मैं बोला व्हाट इज द रेट इज गोइंग ऑन, आपने बोला सर 10 रुपीस, एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट कम्स टू रुपीस 1 लाख, बात बराबर हो। अब जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन करने गए तो आपको क्या लगा, 1200 यूनिट्स ऑफ S1, आपने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया, 1200 यूनिट्स ऑफ S1, राइट। जब आपने एक्चुअली प्रोड्यूस किया तो इंस्टेड ऑफ 10,000 मटेरियल यूज 13,000 केजी एट द रेट ऑफ 10 एंड दिस कम्स टू 1,30,000। अब मैं आपको बोलता हूँ यार, आपको तो आपने तो बोला था 10,000 लगेगा, आपने बोला था 10,000 लगेगा, आपने यूज कितना किया 13,000, इट मीन्स आपकी वजह से 3,000 केजी का लॉस हो गया, आप एग्री करोगे? नो, क्यों? आप क्या बोलोगे, 10,000 सर मैंने किसके लिए बोला था, 1,000 के लिए, आपने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया, 1200, कितना यूज होना चाहिए 12,000, कितना यूज हुआ 13, कितना एक्स्ट्रा यूज हुआ 1000, कितना एक्स्ट्रा यूज हुआ 1000, आई एम रेस्पॉन्सिबल ओनली। इसका मतलब कभी भी रहेगा, आपको इतना इसमें कंफ्यूज करेंगे सब लोग, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड कभी भी रहेगा, दिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले आप ढूंढिए कि व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन, योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1200, 10,000 किसके लिए था, 1000 के लिए, तो 1200 के लिए कितना होगा 12, यूज कितना किया 13, कितना एक्स्ट्रा किया 1000, सही है। सुनो, थर्ड मैंने आपको क्या पॉइंट लिखा है बताओ, इज ए बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, राइट। बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बट एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। अब ये जरा ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होना चाहिए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट। अपन ने क्या लिखा है, बजटेड कॉस्ट, लेकिन क्यों लिखा है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द, अंडरलाइन करो, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियंस, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एनालिसिस फॉर वेरियंस। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ, हमको ये पॉइंट्स का भी याद रखने जब हम एनालिसिस ऑफ वेरियंस करेंगे। देखो, सपोज यू आर माई प्रॉफिट मैनेजर, दिस इज यू आर माई प्रॉफिट मैनेजर, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड लेके बैठोगे ना लाइब्रेरी में, सब लोग बोलेंगे अरे ये थोड़ी आता है, ये थोड़ी करने का, ये तो बहुत है, ये तो ऐसा है, इसमें इतना फॉर्मूला है, एक भी फॉर्मूला हम डिस्कस नहीं करेंगे, प्योर आपको लॉजिक पे जाना है और उसी से आप कर पाओगे। एग्जाम में जो सब आता है वो रिकंसलेशन का आता है, एक भी लेक्चर आप मिस नहीं करना, तो जब आपको मजा आएगा। आप मेरे कौन से मैनेजर हैं, प्रॉफिट मैनेजर, मैंने आपको बोला आपको ना एक प्रोडक्ट सेल करना है मेरा S1, उसके यूनिट्स हैं 1000, सेलिंग प्राइस है 100, कॉस्ट है 80 एंड प्रॉफिट है 20, टोटल प्रॉफिट है 20,000। आपको मैंने एक टारगेट दिया, क्या S1 सेल करना है 1000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20,000। एक्चुअल जब आप करने गए सेल, तो आपने एक्चुअल में यूनिट सेल किया S1 1000, दिस इज 100, कॉस्ट हो गया 90, प्रॉफिट इज 10 एंड टोटल प्रॉफिट इज 10,000। अब मैं आपको बोलता हूँ यार, मैंने तो आपको 20,000 प्रॉफिट बोला था, आपने तो प्रॉफिट कमाया 10, आपकी वजह से 10,000 का लॉस हो गया, क्या आप एग्री करोगे, क्या आप एग्री करोगे? आप क्या बोलोगे, सर आपने क्या बोला था S1, मैंने क्या सेल किया S1,
आपने कितनी यूनिट्स बोली 1000, मैंने कितनी यूनिट सेल की 1000, आपने क्या सेलिंग प्राइस बोला था 100, मैंने कितना सेलिंग प्राइस बोला 100। अब अगर कॉस्ट बढ़ के 80 की जगह 90 हो जाता है, अगर ये कॉस्ट बढ़ के 80 की जगह 90 हो जाता है तो एम आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ? आंसर इज नो। प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लाई। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा बोलो? प्रोडक्शन मैनेजर। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि यू माइनस ओनली द बजटेड कॉस्ट, नॉट द एक्चुअल कॉस्ट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या क्या लिखा है मैंने आपको बोलो? नंबर वन, वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट बोलो मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। सेकेंड मैंने क्या लिखा है? एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, परफेक्टली क्लियर। देन बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, परफेक्टली क्लियर है। ओके, आगे आप लिखिए, ये आप ये जरा कॉपी भी कर लीजिए ना उसके नीचे ही, तो आपको याद रहेगा। सही है सुनो, राइट। आगे आप लिखिए स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप नंबर वन टेबुलर फॉर्म, स्टेप नंबर वन टेबुलर फॉर्म, स्टेप नंबर टू एनालिसिस ऑफ वेरियंस, ठीक है। अब आप जरा देखो क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 12.86, जो भी इंफॉर्मेशन है, पहला स्टेप क्या रहेगा अपना? ट्राई टू पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म। दूसरा स्टेप अपना क्या रहेगा? एनालिसिस ऑफ वेरियंस। देखो जरा, कंप्यूट द सेल्स एंड सेल्स मार्जिन वेरियंस फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अपने पास बोलो? एक्स एंड वाई, उसके बजटेड यूनिट्स हैं 240 एंड 160, एक्चुअल यूनिट्स हैं आपके 400-200, बजटेड सेलिंग प्राइस है 50-25, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 45-20 एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको दे रखा 30 एंड 15। पहले अपन को सेल्स, स्टेप नंबर वन मैंने क्या बताया आपको बोलो? टेबुलर फॉर्म बना सकते हो? बनाओ। स्टेप नंबर वन,
दिस इज योर सेल्स और टर्नओवर वेरियंस स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई क्या सोचा था 240 160 400 एक्चुअल 400 200 600 बजटेड सेलिंग प्राइस 50 25 एक्चुअल सेलिंग प्राइस 45 20 फॉर्मेट आपको फॉलो करना है क्योंकि आगे जाके सब मिसिंग फिगर्स आएंगे राइट तो अपने को प्रॉपरली सब ए टू जेड आना चाहिए राइट सही है सुनो फ्रेंड्स राइट है अब देखो क्या सेल आपने सोचा था 16,000 क्या सेल आ रहा है कितने का प्रॉफिट हो गया 6,000 नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉफिट एक्चुअल में ये अच्छा नहीं है देखो सेल्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है प्रोडक्शन हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तो क्या लेते हैं सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस अगर सपोज आपका 240 सेल था एक्सपेक्टेड अगर आप 240 बनाते तो 160 कस्टमर वापस जाते थे कि नहीं वाई हाँ दिस वाई अरे दिस इज द एक्चुअल ना हाँ नो अगर आप 240 आपका सेल होने वाला है अगर आप 240 बनाते तो आपके 160 कस्टमर वापस जाते थे ना तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा ना 240 करेक्ट है कि 400 करेक्ट है Why you want to analyze? Variance आपको देखना है 16. 16 के सामने अपना कितना सेल हो गया 22. First. Step number 2. This is your sales or turnover variance. क्या variance आपने सोचा था 16,000. Actual में क्या आ रहा है 22,000. कितने का profit हो गया 6,000. Now, who is responsible for this? There are two. One, sales volume variance. And one, sales price variance. Sales volume, X and Y. बराबर है? क्या वॉल्यूम आपने सोचा था 240 बाद में कॉपी करना समझ लो एक बार क्या सेल हुआ 400 क्या वॉल्यूम सोचा था 160 क्या सेल हुआ 200 वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट 50 and 25 240 के कितना होगा 400 इट मीन्स
8000 फेवरेबल, 160 की जगह कितना हो गया 200, कितना हो गया 400 एक्स्ट्रा, इट मींस 1000 फेवरेबल एंड टोटल 9000 रेट। रेट मैनेजर ने क्या बोला था 50 की जगह कितने में सेल किया 45। व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी 400, कितने का लॉस हो गया 2000 एडवर्स, क्योंकि 50 की जगह 45 होगा, यहां पे कितना था 25 वाला आपने कितने में सेल किया 25 रुपीज कम ऑन एक्चुअल 200, कितने का लॉस हो गया 1000 एडवर्स, टोटल 3000 एडवर्स, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। इसका मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, दिस इज स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। समझे या नहीं समझे, दिस प्लस दिस इक्वल टू, फिर इसके वापस से दो पार्ट होंगे, पर आप मुझे बताओ यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, परफेक्टली क्लियर। व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल, इतना कॉपी कर लीजिए। बराबर, अब ये क्लियर हो गया। 240 हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था सेल, बनाया 400 राइट। अगर सपोज अगर 240 बनाते तो 160 कस्टमर वापस जाते तो अपने को लॉस होता था राइट। तो अपने को ये देखना है कि वेदर दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 240 सेल होगा या 400 होगा, वो उसके लिए अपने को ये एनालाइज करना जरूरी है। मैनेजमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगा भाई कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, वो अपने को देखना है। सही है, सुनो अब उसके दो पार्ट वॉल्यूम के ना, एक को बोलते हैं सेल्स सब वॉल्यूम वेरियंस और एक को बोलते हैं सेल्स मिक्स वेरियंस।
सब वॉल्यूम इज टोटलिटी. आपने क्या सोचा था टोटल सेल्स कितना होगा? कितना सोचा था टोटल सेल्स कितना होगा? 400. टोटल सेल्स एक्चुअल में कितना हुआ? 600. इसका मतलब 400 के सामने 600 इंटू 16,000 डिवाइडेड बाय 400. वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट, क्वांटिटी कितने से इंक्रीज हो गया? 200 से. अब अपने पास रेट नहीं है, 400 का रेट नहीं है, तो अपन एवरेज ले लेंगे जो आप बोल रहे थे 16,000 डिवाइड बाई 4. तो कितना? 40 रुपीज. कितना एक्स्ट्रा सेल हुआ? 200. इट मीन्स 8,000 फेवरेबल. पहले लॉजिक पे जाओ. क्या सोचा था? 400. क्या सेल हो रहा है? 600. कितना ज़्यादा हो गया? 200. वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड, इट मीन्स टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट. सही है? सुनो, फिर आपका आता है कि प्रोपोर्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो प्रोपोर्शन में हम गए थे उस प्रोपोर्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने क्या सोचा था? टोटल 400 सेल होगा, उसमें से एक्स कितना रहेगा? 240. एक्स कितना रहेगा? 240 आउट ऑफ 400. मैंने एक्चुअल में सेल कितना किया? 600. इसका मतलब एक्स एंड वाई 240 आउट ऑफ 400. तो आउट ऑफ 600 कितना सेल होगा? 360. मैंने सोचा था 400 में मेरा x कितना आ रहा है? 240. एक्चुअल में कितना हुआ? 600. तो कितना आना चाहिए? 360. आ कितना रहा है? 400. एंड वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट 2000 फेवरेबल. क्या आपने सोचा था? 160 आउट ऑफ 400. आउट ऑफ 600 240 के सामने आपका कितना हुआ? 200. कम हो गया इनटू 25. 1000 एडवर्स. कितना हो गया? 1000. दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस. इसका मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. अगर आपको ये एग्जांपल क्लियर है तो 90% टेंशन ऑफ योर स्टैंडर्ड इज ओवर. आप मुझे बताओ कोई भी, क्योंकि अब आपको यही रिपीट करना है आज पूरे दिन. व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी. एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट बिकॉज द प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन. समझे या नहीं? से इतना कॉपी कर लो.
सही है सुनो, राइट। कैन यू मेक द प्रॉफिट का टेबल? ये वाला टेबल ट्राई करोगे प्रॉफिट का बनाने का? बनाओ जरा। ये क्लियर है? कुछ पूछना है? एम आई गोइंग फास्ट? बराबर है। चलो देखो जरा, सेकंड टेबल बनाओ, प्रॉफिट सेल्स मार्जिन वेरियंस। इसी का सेकंड बनाओ आप, सेल्स मार्जिन वेरियंस, राइट। अब सेम ही है, कुछ नया नहीं सीखना है आपको ना। सेल्स मार्जिन वेरियंस, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अपने पास? एक्स एंड वाई, कितने यूनिट्स? 240, 160, 400। सेलिंग प्राइस 50 माइनस 30 इज 20, 20 माइनस 15 इज 5, जब हम लोग एक्चुअल में सेल करने गए तो 400, 200, टोटल 600, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 45, लेकिन माइनस ओनली स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट, 15 कम्स टू 6000। 20 माइनस 15 5, बोलो क्या सोचा था आपने? बोलो 6400, क्या एक्चुअल में आ रहा है? 7000। आपको कितना हो? 600 का प्रॉफिट। सही है, सुनो, सेल्स मार्जिन वेरियंस, क्या मार्जिन आपने सोचा था? 6400, क्या मार्जिन आ रहा है? 7000, दिस कम्स टू 600, फेवरेबल। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम एक्स एंड वाई, 240, 400, 160, 200। Whenever there is a quantity part, multiply by standard rate. 3200 favorable, 400 favorable, 3600 favorable. Starting में आपको चाहिए तो formula लिख लो, आगे चल के अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? This is standard सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, 20 माइनस 15, 10 माइनस 5, 400, 200, 2000 एडवर्स,
1000 एडवर्स, सोचा था प्रॉफिट 20, एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा है 15, 5 रुपीज का लॉस हो गया, ऑन 400 देर इज अ लॉस ऑफ 2000, 10, 10 में 5, 200, 1000 कम्स टू 3000 एडवर्स। इट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड सेल्स एक्चुअल सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स मार्जिन माइनस एक्चुअल सेल्स मार्जिन। वापस रिपीट, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरियंस और सेल्स मार्जिन मिक्स वेरियंस। सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम 400 सोचा था, एक्चुअल में 600 इंटू 6400 डिवाइडेड बाय 400, 3200 फेवरेबल। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट, सेल्स मार्जिन मिक्स एक्स एंड वाई 240 आउट ऑफ 400 आउट ऑफ 600 360, 160 आउट ऑफ 400 आउट ऑफ 600 240, एक्चुअल 400 एक्चुअल 200 इंटू 20 इंटू 10, 800 फेवरेबल, 400 एडवर्स, 400 फेवरेबल, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। सही है सोनू, राइट, समझ में आ रहा है? सही है सोनू, राइट। सेल्स का प्राइस वेरियंस, सेल्स का प्राइस वेरियंस एंड मार्जिन का प्राइस वेरियंस विल बी ऑलवेज सेम। देखो जरा, सेल्स का प्राइस वेरियंस क्या था, सेल्स का प्राइस वेरियंस एंड मार्जिन का प्राइस वेरियंस 2000 एंड 1000, देखो जरा सेल्स का प्राइस यही है, बोलो या सुनो व्हाई इट इज सेम। देखो यहां पे क्या था, सेलिंग प्राइस 50, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 45, व्हाट इज द डिफरेंस 5, और दोनों जगह हम लोगों ने क्या माइनस किया है, कांस्टेंट अमाउंट। अगर बाय मिस्टेक आपने यहां पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया तो डरने की जरूरत नहीं है, दिवाली दशहरा साल में एक बार है, इंस्टीट्यूट साल में दो बार है, राइट। अगर आपने यहां मिस्टेक कर दिया तो आपका पूरा रॉन्ग, तो यहाँ पे मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस है, बच्चे लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। प्रॉफिट मैनेजर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, प्रॉफिट मैनेजर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। परफेक्ट, एकदम क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है पूरा? हाउ इज द प्रेजेंटेशन, नाइस से नाइस, क्लैप करो। ठीक है, चलो दे दूँ एक एग्जाम का सम करके दिखाओगे, एकदम सिस्टमेटिक दोनों। इन लोगों ने खाली मार्जिन पूछा है, अपन दोनों करेंगे मार्जिन एंड दिस। क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 12.78, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 12.78, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 12.78,
मुझे दोनों चाहिए, इन लोगों ने ओनली मार्जिन पूछा है, आई वॉन्ट बोथ, सेल्स का वेरियंस भी चाहिए मुझे और मार्जिन का भी चाहिए, राइट? आराम से करिए आप ना फ्रेंड्स, समझिए जरा, खुद से ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। क्या रहा बजटेड सेल्स 201 अपेक्षा एंड एक्चुअल 256। वो आराम से सिस्टमेटिक धीरे धीरे, क्या सेल सोचा था 201, क्या सेल हो गया 256, हु इज रेस्पॉन्सिबल, वॉल्यूम मैनेजर, रेट मैनेजर, राइट? स्टेप नंबर टू, सेल्स वेरियंस, क्या स्टैंडर्ड सेल्स सोचा था 201, क्या एक्चुअल सेल्स आ रहा है 256, 55,000 फेवरेबल, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स प्राइस वेरियंस, सेल्स वॉल्यूम ए एंड बी, सिक्स एट नाइन टेन फोर्टीन थर्टीन फोर्टीन 12, 13, 16, 8, 10 सेल्स
सब वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस, सब वॉल्यूम 15 18 201 15, खुद से ट्राई करिए, राइट।
बोलो, सेल्स वेरियंस 55,000 फेवरेबल, सेल्स वॉल्यूम 41,000 फेवरेबल, सेल्स प्राइस 14,000 फेवरेबल, मिलके हो जाएगा 55, इसके दो पार्ट 41,200 एंड 800। बोलो यस और नो, परफेक्टली क्लियर। चलो आगे प्रॉफिट, लेकिन ध्यान रखना बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, बट एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। आराम से धीरे धीरे समझ समझ के करिए, राइट। सही है, सुनो फ्रेंड्स, क्या आ रहा है प्रॉफिट, क्या सोचा था आपने, 63। सही है, सुनो क्या आ रहा है, 92 या
फर्स्ट स्टेप नंबर टू एनालिसिस ऑफ वेरियंस, सेल्स मार्जिन वेरियंस। क्या मार्जिन आपने सोचा था 63, क्या मार्जिन आ रहा है 92, 63 उसके सामने आपको मार्जिन आ रहा है 92, 29,000 फेवरेबल। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, देन सेल्स मार्जिन प्राइस, ए बी 6, 8, 9, 10, 63, 12,000 favorable, 3,000 favorable, 6, 4, 3, 6, 8, 10, 16,000 adverse, 30,000 favorable। बोलो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। प्राइस वेरियंस टेली होता है, सेल्स प्राइस मार्जिन प्राइस टेली हो रहा है। वॉल्यूम के दो पार्ट, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन मिक्स। सब वॉल्यूम 15, 18, 63 by 15, favorable, A B 6,000 out of 15, 9,000 out of 15 into 18,000 7200 8, 10, 63, 4,800 favorable, 2,400 adverse, 12.34 आप करके बताओ मेरे को ना। क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 12.94 दोनों चाहिए, सेल्स भी चाहिए एंड बेस्ड ऑन टर्नओवर एंड बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इन लोगों ने चार वेरिएंस पूछे, अपन पांच कर देते हैं, राइट। फिर बाकी के सम्स का टेबल बना लेते हैं, आप लोग एनालिसिस होमवर्क में कर लेना, ठीक है। मिला फ्रेंड्स 30।
खुद से ट्राई करिए, 30 पेज नंबर 12.94। सेल्स टर्नओवर वेरियंस स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्ट्स क्वांटिटी रेट टॉयज ब्रेबो चैंपियन सुपर फाइव थाउजेंड फोर थाउजेंड सिक्स थाउजेंड खुद से ट्राई करिए। हाँ फ्रेंड्स, 5750 4850 and 5000 100 200 180 2380 एक्चुअल सेल्स 23,88,000 सही है। सुनो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप नंबर टू सेल्स टर्नओवर वेरियंस ट्वेंटी थ्री एटी एट थाउजेंड फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम वेरियंस
प्राइस वेरियंस, ब्रेबो चैंपियन सुपर, या
खुद से ट्राई करिए हाँ फ्रेंड्स। क्या सेल्स टर्नओवर वेरिएंस 8000 फेवरेबल, सेल्स वॉल्यूम वेरियांस 65,000 फेवरेबल, प्राइस वेरियांस 57,000 एडवर्स, सब वॉल्यूम 95,200 फेवरेबल एंड 30,200। जितना खुद से ट्राई करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा हाँ फ्रेंड्स। सेकंड इज योर सेल्स मार्जिन वेरियंस, बट रिमेंबर ओनली वन पॉइंट, बोथ द प्लेस यू डिडक्ट द स्टैंडर्ड कॉस्ट राइट, बिकॉज द प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन।
जितना खुद से ट्राई करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा, राइट? सेल्स मार्जिन वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन प्राइस, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन मिक्स। एक ही चीज़ याद रखना है, वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी।
टीचिंग आप तभी एंजॉय कर सकते हो जब सामने स्टूडेंट्स बैठा है, टीचर सिखा रहा है, राइट? आजकल बहुत सारी वीडियो जाते हैं जिसमें खाली टीचर पढ़ाते ही रहता है, स्टूडेंट ही नहीं है सामने। तो ऐसे तो अमिताभ बच्चन साहब भी पढ़ा सकते हैं कॉस्टिंग, राइट? स्क्रिप्ट लिखा होगा, सामने बोल नहीं है, स्टूडेंट्स रहते हैं, आपके क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, तब वीडियो का मजा है, राइट? आप खुद सॉल्व करोगे तब जाके आपको क्लियर होगा, राइट, कि एग्जाम में मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, राइट? सेल्स का प्राइस एंड मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम, बिकॉज प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। समझे या नहीं समझे, राइट? सेल्स का प्राइस, मार्जिन का प्राइस हमेशा आपको क्या मिलेगा? सेम। प्रॉपर समझ में आ रहा है? अभी एक दो सम का ना सिर्फ टेबल बना देते हैं, एनालिसिस आप होमवर्क में करना, ठीक है? एक दो सम का अपन टेबल बना लेते हैं, एनालिसिस आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 का पहले टेबल आप मुझे बना के बताओ, सेल्स का एंड मार्जिन का, मिस्टेक नहीं करना बिल्कुल ना। क्वेश्चन नंबर 1 दोनों टेबल मुझे चाहिए, सेल्स एंड सेल्स मार्जिन। वीसीए से सेल्स का पहले ले लेते, चेक करो जरा कितना है, 250, देन 3 लैक्स, 2 लैक्स एंड 50,000, 180, 270, 330 एंड 130, 1.2, 1.5 ना फ्रेंड्स, 1.8, 2.5, 1.35, 2 and 3, 1,80,000, 270 into 1.35, 364, 500, 330 into 2, 660, 130 into 3, 390. वन लैक 80 है,
540 ना, 180, 364.5, 2,50,000 into 1.2, 3 lakhs, 3 lakhs into 1.5, 450, 2 lakhs into 1.8, 360, 50 into 2.5, 125. Now check. Right, eh? स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको दोनों चाहिए, राइट? एग्जाम में स्पीड भी लगेगा आपको और एक्यूरेट भी करना है, इंक्रीज योर स्पीड. ओके, कॉस्टिंग का पेपर लेंथी रहता है. पॉइंट फाइव, पॉइंट सिक्स, पॉइंट सेवन एंड वन, पॉइंट फाइव, पॉइंट सिक्स, पॉइंट सेवन एंड वन, बोथ द प्लेसेस सेम कॉस्ट. हाँ, मिस्टेक नहीं करना. प्रॉफिट मैनेजर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन.
नो नो दैट यू कैन डू इट होमवर्क हाँ हाँ एवरीथिंग एवरीथिंग ऑल वेरियंसेस दे आर आस्किंग ओनली मार्जिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं पूरे ना अब मुझे आप 19, 21, 22 तीनों क्वेश्चन का आप मुझे टेबल बना के दिखाओ राइट पहले सेल्स फिर अगर कॉस्ट दे रखा है तो मार्जिन भी बनाना राइट तो 19 में खाली सेल्स टेबल ही पूछा है उन्होंने एनालिसिस आप लोग होमवर्क में कर लेना राइट अभी तो हो जाएगा ना और इट शुड बी टैली तो आपको आंसर भी मिल जाएगा बोलो यस और नो फ्रेंड्स राइट है आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है राइट केस स्टडीज तक पहुंचने से पहले आपको एकदम थोरो प्रैक्टिस होना चाहिए राइट देखो यही है 543-6200-5800 5600 है एंड 5000 फाइव ना राइट ना इसमें ऑनली सेल्स से रिलेटेड ही अपने को दे रखा है तो आपका हो जाएगा सेल्स वेरियंस
या राइट है फ्रेंड्स, बोलो। फर्स्ट वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म, वो आगे जाके बहुत हेल्प करेगी आपको, राइट। जब आपका मिसिंग फिगर का क्वेश्चन रहेगा तो बहुत हेल्प होगी, ओके। ट्वेंटी वन में आप दोनों मुझे बताइए सेल्स एंड मार्जिन का टेबल ना। क्वेश्चन 21 पेज नंबर 12.86। फर्स्ट सेल्स वेरियंस, सेकेंड सेल्स मार्जिन वेरियंस, खुद से ट्राई करिए। हाँ, इवन एक्चुअल कॉस्ट गिवन है फिर भी हम लोग क्या लेंगे, बजटेड कॉस्ट।
21 देखो जरा, 280 312। हाँ दिस वन 151 500 132। एनालिसिस होमवर्क में कर लेना राइट। 22 जरा देखो, दोनों चाहिए मेरे को, टर्नओवर एंड मार्जिन। पहले मार्जिन पूछा उन लोगों ने, फिर टर्नओवर पूछा राइट। सेल्स मार्जिन वेरियंस स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्ट्स क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी रेट
इवन एक्चुअल कॉस्ट इज गिवन बट यू डिडक्ट ओनली द स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट? खुद से ट्राई करिए. राइट है. तो दो पार्ट में अपन ने ये बुक को डिवाइड किया है. एक आपके मॉड्यूल को एज इट इज सॉल्व किया गया है, राइट? तो आपका पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा, प्लस डीकेसी के जो एक्सपीरियंस, पास पेपर्स, आरटीपीज, मॉक टेस्ट सजेस्टेड जुबने, प्लस दो लेटेस्ट पेपर आपके मई 18 नवंबर 18.
ऑल राइट है। आपके मॉड्यूल में ना सिर्फ एक ही सम दे रखा है, जो नया मॉड्यूल है ना उस पर एक ही सम दे रखा है, पेज नंबर 12.19 आप निकालिए ना। पहले आप पूरा टेबल अपना सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको कमेंट समझ में आ जाएगा, राइट। जो अपन वो बातें कर रहे हैं वही उन्होंने कमेंट में लिख दिया है। पहले आप 12.19 क्यूसी, इंटरप्रेट द सेल्स मिक्स वेरियंस एंड सेल्स क्वांटिटी। सेल्स क्वांटिटी का मतलब यहां पे रहेगा सेल्स सब वॉल्यूम, सब वॉल्यूम ब्रैकेट में लिख लो आप सब वॉल्यूम, राइट। कौन कौन से प्रोडक्ट है बताओ अपने पास, C1, C2, C3, बोलो यस और नो। सेल्स मार्जिन वेरियंस, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है अपने पास, दिस इज स्टैंडर्ड एंड दिस इज एक्चुअल प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, C1, C2, C3। हम लोगों ने बजटेड क्वांटिटी सोचा था 1000, 3250, 750, सही आंसर नो फ्रेंड्स। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड किया है 900, 3875 एंड 975, बराबर। अब देखो मैंने कैलकुलेट कर दिया है पीछे ना सब, पेज नंबर 12.20 पे देखो आप, बजटेड सेलिंग प्राइस लिया है माइनस बजटेड कॉस्ट किया है, तो आपको कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 6080, 752, बोलो या सुनो फ्रेंड्स, एंड 7520 मिला, कैलकुलेट किया है ना। फिर मैंने क्या लिया है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, अब मुझे बजटेड कॉस्ट चाहिए, तो बजटेड सेलिंग प्राइस में से मैंने नीचे बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर दिया है, तो मुझे क्या आ जाएगा, बजटेड कॉस्ट, और बजटेड कॉस्ट को माइनस किया एक्चुअल सेलिंग प्राइस से, तो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 7680, 672 एंड 5120। या बोलो सॉरी, या वन ऑफ द सेम ना। वन ऑफ द सेम,
पहले टेबल बनाई है, बताइए आप समझा कि नहीं समझा, राइट? फिर मैंने सॉल्व किया है, उसको चेक कर लो आप जरा ना। मैंने डायरेक्टली ले लिया है, मेरे पास बजटेड सेलिंग प्राइस था, ऑल बजटेड कॉस्ट माइनस किया, बजटेड कंट्रीब्यूशन आ गया, मेरे पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। तो या तो इन्होंने कोठारी ने बोला कि आप बजटेड कॉस्ट को ऐड कर दो, या बजटेड सेलिंग प्राइस से बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर दो, तो आपको बजटेड कॉस्ट आ जाएगा, राइट? मैंने वैसे किया है, बजटेड सेलिंग प्राइस था मेरे पास, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन था, माइनस किया, मुझे बजटेड कॉस्ट आ गया। अब जरा चेक कर लो और उसके बाद आप जरा उसका इंटरप्रिटेशन देख लो, राइट? ये एक ही सम आपके नए मॉड्यूल में दे रखा है, तो अपन मॉड्यूल भी पूरा कवर कर लेते हैं, प्लस डीकेसी के बेसिक सम्स, एडवांस सम्स, आरटीपीज, मॉक टेस्ट सब। अब आपको इसी बुक पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट? Now you check all the answer, right? This is given on page number 12.21. Sales margin variance, sales margin volume. ICI module में क्या एकदम systematic नहीं दे रखा है। We will go in the same format. Each and every sum हम लोग क्या करेंगे? In the same format. Max to max they can ask this much in the sales and sales margin, right? Sales और sales margin में इतना ही maximum पूछ सकते हैं ये लोग ना? इंटरप्रिटेशन भी देख लो आपने जरा। टैली हो रहा है सारे कैलकुलेशन? चेक प्लीज। सेल्स मार्जिन डिवाइड इन टू वॉल्यूम एंड रेट, वॉल्यूम डिवाइड इन टू सब वॉल्यूम एंड मिक्स। दिस वन, दिस वन, ओके, वन क्या? अच्छा 141, 64, 64। चेक द कैलकुलेशन है जो अपन ने सॉल्व किया है, बराबर है कि नहीं? हाँ, सेम फॉर्मेट में आपको हर क्वेश्चन को करना है। अभी ये बुक आपका मेन है, इसी बुक पे पूरा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके? प्लीज डू नॉट मिस एनी लेक्चर, नहीं तो क्या मजा नहीं आएगा टॉपिक में, हर कंसेप्ट आपको काम आएगा। सो मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क दिस मच इन सेल्स एंड मार्जिन,
और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे कॉस्ट वेरियंसेस, राइट। आपका जो टोटल है वेरियंसेस कितने तरह के रहेंगे वो ज़रा एक चार्ट आप बना लो, तो मैं आपको फिर एक एक कितना तरह के अपने को कहाँ तक अपने को पहुँचना है ना, जस्ट मेक दिस चार्ट ना। आज अपन ने कर लिया सेल्स और टर्नओवर, दिस शुड डिवाइड इन टू, एक आपका रहेगा या तो इसको प्रॉफिट बोल सकते हैं या फिर इसको मार्जिन वेरियंस बोलेंगे, राइट। सो एकदम इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो अपन कवर करेंगे, बाकी जो जनरल थ्योरी है वो आपको नहीं तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा, राइट। दिस इज कॉस्ट वेरियंस, यू आर ए सी ए फाइनल, थोड़ा बहुत आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, राइट, तो ही रिजल्ट आएगा। कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइड इन थ्री, देन एक रहेगा आपका मटेरियल्स, एक लेबर एंड थर्ड ओवर हेड्स। ओवर हेड्स डिवाइड इन टू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। सेल्स टर्नओवर डिवाइड इन टू प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स डिवाइड इन टू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। राइट है, तो आज अपन ने ये दोनों कंप्लीट कर लिए, आपका सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट में अपन लेंगे मटेरियल एंड लेबर। ओके, तभी छोटू ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर कंटिन्यू।